कि रोया हूं राज कौन मिले, भोग्या हूं मिले, रोया हूं राज कौन मिले, भोग्या हूं मिले। तो उठ ए बंदे, उठ ए क्षत्रिय, उठ ए सूर्यवंशी, उठ खड़ा हो मेरा चंद्रवंशी, उठ खड़ा हो क्षत्रिय, उठ खड़ा हो इस धरती का पुत्र, उठ खड़ा हो इस सत्यरायणियों का रक्षक, उठ खड़ा हो तू गायों का रक्षक। जब तक तू क्षत्रिय खड़ा नहीं होगा और राष्ट्रभक्ति का खून अपने में नहीं वापस उबालेगा, तब तक इस राष्ट्र का वापस अपने को इनकलाब के नारे के साथ इस भारत को फिर से आजाद कराना पड़ेगा। गाय को बचाने के लिए सर कटा लेता था, आज तिरुपति बालाजी के मंदिर में गाय के चर्बी का मांस का प्रसाद मिल रहा है उसमें। राम मंदिर आप देख लो, क्षत्रिय विहीन किया है उसको, एक भी क्षत्रिय ट्रस्टी में नहीं है। और क्षत्रिय विहीन के साथ साथ राम मंदिर में जो चढ़ावा है पूरी भारत की जनता ने दिया है, उसके सरकार का कुछ लेना देना नहीं है वहां पे। और वर्तमान की आप जब राज होता था राजपूतों का, तो पूरा काम राज का होता था, जनता से कुछ नहीं लिया जाता था। और आज जनता से राम मंदिर लेके 1400 करोड़ रुपए उनसे लेके वहां बना के क्षत्रिय विहीन किया गया है। जो हजारों सालों तक क्षत्रियों ने अपने सर कटाए राम के लिए, बाबर के टाइम से लेके अभी तक, कुछ गांव तो वहां हैं जिन्होंने अपने सर की पगड़ी और पांव के जूते तक उन्होंने त्याग कर दिए कि भाई राम मंदिर, राम अगर वहां आएंगे तभी हम पहनेंगे। एक तो मंदिर का उदाहरण, दूसरा शिक्षा का उदाहरण। शिक्षा जो मुगल कालों ने भी यही करा कि उन्होंने जो तक्षशिला थे आपके उनको जलाया, नालंदा यूनिवर्सिटी थी उनको जलाया, ये काम किया मुगलों ने। अंग्रेजों ने ये काम किया कि 7.25 लाख अपने गुरुकुल थे भारत में, 7.25 लाख, आप मतलब 562 या 564 तो अपने रियासत थी, 564 आप 7.25 लाख भाग लगा लो कि एक रियासत में कितने गुरुकुल हुआ करते थे। 7.25 लाख गुरुकुल उन्होंने बंद करके अपनी जो नौकरशाही वाली जो शिक्षा प्रणाली थी वो लागू करी। और आज की वर्तमान सरकार भी यही काम कर रही है कि नौकरशाही वाली जो सिस्टम है वो लागू करो, आरक्षण के जो योग्य लोग हैं उनको हटाओ। आज राणावत, डॉक्टर राणावत थे अपने, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, एक नंबर से वो रह गए थे राणावत साहब, उनको यहाँ पे नौकरी नहीं मिली सरकारी, यूएस में जाके योग्यता के आधार पे वहाँ जाके लगे और अपने प्रधानमंत्री को वहाँ अपने घुटनों का ऑपरेशन वहाँ जाके कराना पड़ा। तो ये काम शिक्षा के तौर पर भी आज ही यही हो रहा है कि अगर जो शिक्षा राम पैदा करती थी, जो शिक्षा कृष्ण पैदा करते थे, जो शिक्षा हमारी गुरुकुल महापुरुष पैदा करती थी, जो शिक्षा सोने की चिड़िया बनाती थी, जो शिक्षा राष्ट्रभक्ति पैदा करती थी, जो शिक्षा सत्यरायणियों को ये बताती थी कि आपका अगर बेटा या आपका अगर आदमी रण छोड़ के भी अगर वापस आ जाए तो वहाँ की जो पत्नी होती थी वो चूड़ियां तोड़ देती थी उसके सामने कि तू रण छोड़ के कैसे आ गया, राष्ट्रभक्ति पहले। और माँ होती थी वो जो दूध पिलाती थी उस बेटे को, अपना स्तन काट देती थी माँ कि मैंने किस बेटे को पैदा किया, किस बेटे को दूध पिलाया है कि वो रण छोड़ के राष्ट्र को दूसरों को छोड़ के वहां आया है। तो ये अपनी शिक्षा प्रणाली होती थी। तो तीन आधार है कि अपना भारत आज भी गुलाम है। और इसमें तीसरी चीज मतलब मंदिर, शिक्षा और लास्ट में आपका इतिहास। इतिहास मुगलों ने भी यही काम किया कि मिटाते हुए आए, अंग्रेजों ने भी जो अपने बुक्स थे उनमें भी मिटाते आए, जितनी भी रोड थी उन्होंने मुगलों के नाम रख दी। और वर्तमान सरकार ने भी यही काम किया है कि इतिहास में राजपूतों का शौर्य मत बताओ कि राजपूतों ने क्या क्या काम किया, राष्ट्रभक्ति के लिए क्या क्या काम किया उन्होंने। और आज भी इतिहास मिटाने की पूरी कोशिश हो रही है कि मीर भोज को तो गुजर बता दो, राणा पूंजा को गुजर बता दो, आपके दुर्गादास जी की राठौड़ है उनको आगरा में तेली बता के उनकी मूर्ति लगवा दी वहां पे। तो ऐसे करके बहुत सारे अपने प्रकरण हैं कि इनको सब जातियों से कैसे लड़ाओ, क्योंकि इतिहास मिटाएंगे राजपूत अपन अपने में ही अपना इतिहास बता रहे हैं, दूसरी जात को राजपूतों के इतिहास में जीरो इंटरेस्ट है। अपन अपने में भले ही अपनी गुणगान कर ले लेकिन दूसरी जाति को इतिहास का अपने कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें इसको रिवर्स करने के लिए मेरी जो राय है यहाँ पे जो आज सभा रखी गई है उसमें यह है कि जितने भी मंदिर हैं वो मंदिर वापसी हो, वो जनता के पास आए। आपके अगर लोकल कोई मंदिर हैं आपके गाँव में या उनमें ट्रस्ट में आप लोगों की भागीदारी हो, जितने भी ट्रस्ट हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि जितने भी मंदिर हैं
उनको छुपके से देवस्थान विभाग में या पुरातत्व विभाग में दूसरे समाज के ट्रस्ट बना के उन पर अपना मेहनत बिठा के उन पर कब्जा कर रहे हैं। एक जोधपुर में मामला आया कि पोखरण अपने जोधपुर का गुरुद्वारा है, उस मंदिर के नीचे राय बरेली में पोखरण ठाक साहब वर्तमान है, उनके पड़दादी सा ने 1500 बीघा जमीन दान दी, वो आज 7000 करोड़ की बोलती है। उस 7000 करोड़ की संपत्ति उनको दिख रही है कि कैसे कब्जा करा जाए। और छोटे छोटे गांव के मंदिर में भी बहुत ये बहुत बड़े लेवल पे पिछले 2 साल से चल रहा है और एक ही समुदाय बहुत जोरों से काम कर रहा है। तो भाई मंदिरों पर अपना, दूसरा शिक्षा का सिस्टम, तीसरा इतिहास। इतिहास में आप, मेरी जो राय है कि जितने भी अपनी जयंती बनती है ये सर्व समाज और 36 कौम के साथ बनाई जाए। 36 कौम मंच पे बैठना चाहिए महाराणा प्रताप की जयंती पे, क्योंकि महाराणा प्रताप अधूरे हैं भील के बिना, महाराणा प्रताप अधूरे हैं मुसलमानों के बिना, महाराणा प्रताप अधूरे हैं भामाशाह के बिना, महाराणा प्रताप शिवाजी अधूरे हैं, जितने भी अपने महापुरुष रहे सब अधूरे हैं। तो जितनी भी अपनी जयंती हैं, दुर्गादास जी राठौड़ की होगी, वो सब बननी चाहिए। और अपने राष्ट्र के सबसे बड़े जो जयंती बनाते हैं अपन, महाराणा प्रताप की बनाते हैं, उनके साथ साथ आपके जो लोकल वहाँ के महापुरुष हैं, बिहार में वीर कुंवर जी हो गए, आपके उत्तर प्रदेश में सोहेल देव जी हो गए, और भी हो गए, हरियाणा में लोकल क्षेत्रों में, मेवाड़ में अलग बनाओ, जोधपुर में आप अलग बनाओ, नागौर में अलग, क्योंकि इनको दूसरे समुदाय को बेचा जा रहा है और अपने को लड़ाया जा रहा है। तो आपको लोकल जितने भी हों, वीर आज बिहार में अगर महाराणा प्रताप की जयंती मना रही हैं, उससे ज़्यादा उनको वीर कुंवर जी की पहले बनानी चाहिए। सोहेल देव जी को उत्तर प्रदेश में उनको राजवर बता दिया गया है, हैं वो बैंस समाज के, उनसे भी लड़ाया जा रहा है। और अभी एक अपने अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो लौह पुरुष की जो अपने मूर्ति लग रही है गुजरात में, उनसे 562 रियासतों का वहाँ पे इतिहास लिखा जा रहा है, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। अपने को सरकार से डाटा बिल्कुल मांगना चाहिए कि साहब आप क्या वहाँ पे हिस्ट्री लिखने जा रहे हो, नहीं, अपने को पहले अवगत होना चाहिए, एक कमेटी गठित हो या सरकार से सवाल पूछा जाए कि साहब आप क्या नया इतिहास लिखने जा रहे हो, हमको कितना गौरवान्वित कर रहे हो। क्योंकि अभी जो विधानसभा में गंगा सिंह जी जो नहर है वो उन्होंने बनाई और 7 जिलों में वो पानी दे रही है, तब 1925 में उन्होंने काम चालू किया, 3 करोड़ रुपए लगे उस टाइम में, 3 करोड़ सोने का भाव था 18 रुपए, आज सोने का भाव है 75,000। आप सोने के भाव 18 रुपए से 75,000 से आप गुणा करोगे, आज का टाटा अंबानी अडानी फेल हो जाए वो पैसा जाता है 3000 करोड़, 1925 का आज के आप भाग देंगे 11000 करोड़ रुपए जाते हैं, 11000 करोड़। टाटा ने की निजी संपत्ति 3500 करोड़ है, टाटा से 4 गुना दानी आदमी अपने गंगा सिंह जी महाराज को इस देश ने भुला डाला। और पूछ रहे हैं कि क्षत्रियों ने किया क्या, आप क्षत्रियों ने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, आपके जोधपुर में महाराज जसवंत सिंह जी कॉलेज बनाया, कुछ सालों बाद महाराज हटा के सिर्फ जसवंत सिंह कॉलेज, फिर कुछ साल बाद जसवंत सिंह भी गायब करके दीनदयाल कॉलेज, मतलब आप पूरा हिस्ट्री इतिहास ही गायब कर रहे हो। उन्होंने जवाई बांध बनाया, आपके सरदार समंद बनाया, कायलाना बनाया, 3-3 कॉलेज जोधपुर के रियासत ने बनाया, हॉस्पिटल बनाया, उन्होंने क्या अपने बच्चों के लिए बनाया क्या, उनके बच्चों को जरूरत नहीं थी, सर्व समाज के लिए बनाया है आज गंगा सिंह और हर जयपुर में। तो आपका ये काम है, हर ठिकाना हर गांव आपका जो भी है आप डाटा निकालो कि गोचर में हमने कितनी जमीन दी है, हमने सरकार को कितनी जमीन दी है, मंदिर को कितनी जमीन दी है, हमने कितने सर कटाए, हमने सत्यारायणों के लिए, स्त्रियों के लिए, रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, एक एक गांव को डाटा निकालना पड़ेगा ताकि सर्व समाज को नया इतिहास हम बता सके कि साहब हमारे पास ये डाटा है, हमने इतने बांध बनाए, इतने कॉलेज बनाए। सबसे पहला बालिका जो स्कूल था छोटी बच्चियों का, लड़कियों का, पूरे भारत में मेरे ख्याल से सिटी पैलेस के बाद यहाँ पे मेवाड़ में ही है वो, 1800 कुछ शताब्दी में बना हो।